मेरा नाम है दुर्गा, आप देख रहे हो चेगरो YT ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और आज मैं सुबह उठा ना तो अचानक से देखा कि यार मम्मी है ही नहीं घर पे, किधर गई। फिर ढूंढते ढूंढते पता चला कि छत पे, और 5:30 बजे ही मम्मी उठ के नहा धो के पूजा करने आ गई थी, क्योंकि आज ना एक स्पेशल पूजा है। ठीक है, भोर पूजा नहीं है, भोर पूजा के नेक्स्ट डे तुलसी पूजा है। देख सकते हो यहाँ पे तुलसी पूजा है, यहाँ पे तुलसी पूजा के तुलसी माता के जो है ना परिक्रमा करते 108 बार। ठीक है, 108 बार अब क्यों करते मुझे भी नहीं पता। और मैं ना हमेशा करता था मतलब जब से मेरे को मालूम है, जब से मेरी माँ ने बोला है करने के लिए, तब से मैं हमेशा करता था। बट तुलसी पूजा के एक दिन पहले मैं गया था कहीं बाहर, ठीक है, तो वहां से ना मैं चिकन खा लिया था, इस वजह से मेरे को बोला ही नहीं मम्मी ने, और मना भी कर दिया कि चिकन खाया है तो अभी मत करो पूजा वूजा मत करो। इसी कारण से यार छूट गया, यार पूजा छूट गया। मन अगर मैं मन लगा के पूजा करता हूँ ना तो तुलसी माता की ही पूजा करता हूँ, सच बता रहा हूँ। और मन लगा के उतना बहुत होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है पूजा वूजा, लेकिन मैं कभी करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ पर ईयर मैं करता था, बट इस ईयर तो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। और इस बंदर की बात करें तो बंदर देख ही रहे हो, पढ़ता वाड़ता है नहीं, दिन भर सिर्फ फोन कूचेगा, गेम खेलेगा, झूठ बोल रहा है, झूठ गेम पढ़ता उड़ता तो खाली मोबाइल देखते रहता है, खाली मोबाइल मारेगा। आप खाली एक बार घर आइए, उसके बाद देखिए कितना मेरे से ज्यादा मोबाइल देखता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मम्मी जो है ना आरती लगा रही है तुलसी माता की, क्योंकि वो 108 बार होता है ना, वो घूम चुकी है मम्मी। तो अभी चलते हैं नीचे कुछ नाश्ता करते हैं, क्योंकि भूख लगा है, रात में खाया नहीं था क्योंकि बाहर से ही खा के आया था ना, चिकन और क्या बोलते हैं यार वो रोटी कैसे सेकते हैं मेरे को उतना याद नहीं आ रहा। हाँ, चिकन और तंदूरी रोटी, ठीक है, चिकन खाया था और तंदूरी रोटी खाया था। तो चलते हैं नीचे, क्या बना था रात में मैंने देखा भी नहीं, तो वही जो भी रात वाला होगा वो नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू कर। देख सकते हो अभी मम्मी जो है गेहूँ फटक रही है, गेहूँ में जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, उसको और निकाल रही है, और जितने भी थोड़े बहुत है वो सब गंदे सब निकाल रही है। देखो कितना गंदा गंदा निकल रहा है। तो वहां से ब्लॉग बनाने के बाद, मंदिर के बाद सीधा घर पे आके सो गया। जो ही सुबह सा नाश्ता किया था, रोटी और दूध, बस वही खाया। उसके बाद अभी 3:03 और वही मुंह कान धो के फ्रेश होके वीडियो बना रहा हूँ। और देखो ये सोया ही नहीं, दिन भर मोबाइल। थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कुछ खाता हूँ, उसके बाद चलते हैं। मम्मी का जो भजन है, सत्संग है, गाना है, सॉन्ग है, जो कुछ भी है, कम से कम 3-4 एक दिन रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद 1-2 दिन कर करके अपलोड करता रहता हूँ वीडियो पे। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट जरूर करना, क्योंकि यार वो भक्ति से रिलेटेड है, भजन वजन गाती है मेरी मम, बस और कुछ नहीं है। तो चलो गाइस चलते हैं। अगर ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सच में रियली में आज मुझे ना बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं तुलसी पूजा कर नहीं पाया और तुलसी माँ के जो 108 परिक्रमा होता है ना वो कर नहीं पाया, मैंने कभी छोड़ा नहीं था, बट क्या करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।